दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस यानी कि विद्युत सौदाह गृह। कोरोना काल में मौतों के बढ़ते हुए आंकड़ों को देख इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज काफी बढ़ चुका है। ये इलेक्ट्रिक मशीन है क्या और ये कैसे काम करती है? अंतिम संस्कार के अन्य तरीकों की तुलना में ये तरीका कितना सही है कितना गलत, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ओके में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस एक तरह की चिमनी होती है अथवा भट्टी होती है जिसमें मृतक को डाल दिया जाता है। यहाँ तापमान नियंत्रक प्रक्रिया में लगभग 45 से 90 मिनट तक भट्टी में ही जलते रहने के बाद शरीर राख के रूप में बाहर आ जाता है और इसके बाद वो राख परिवार वालों को सौंप दी जाती है। दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिक सौदाह मशीनों में ऑटोमेटिकली कॉफिन इंसर्टेशन सिस्टम होता है जिसकी मदद से कॉफिन में बॉडी को रख देने के बाद वह स्वतः ही भट्टी में चली जाती है, जबकि कुछ मशीनों में बॉडी को कॉफिन में रख देने के बाद भट्टी में डालना पड़ता है। इस मशीन के अंदर दो कम्बशन चैम्बर यानी कि दहन कक्ष होते हैं। यहाँ एक लंबी प्रक्रिया के बाद शरीर से निकलने वाले खतरनाक गैसों से युक्त धुआं फिल्टर होता है। और एयर फैन की मदद से ये फिल्टर्ड धुआं चिमनियों के रास्ते बाहर निकल जाता है। एक पार्थिव शरीर को परंपरागत तरीकों से जलाने में लगभग 5 से 6 क्विंटल लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और शव जलने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन बिजली से संचालित इस मशीन में लगभग 45 मिनट में ही शव पूर्ण तरीके से जल जाता है और जल जाने के बाद राख बाहर आती है। दोस्तों बिजली से सौदाह किया जाना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। गंगा कार्य योजना के तहत इस तकनीक को साल 1990 में शुरू किया गया था। इसे बनाए जाने की मुख्य अवधारणा यही थी कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, नदियां सुरक्षित एवं स्वच्छ रहे, किसी भी तरह का कोई प्रदूषण न फैले। कई बड़े शहरों, स्मार्ट सिटीज में, महानगरों में इलेक्ट्रिक घाट बनाए जा रहे हैं और कई जगह बनकर तैयार भी हो चुके हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां ये बनने के बाद अब टूट भी चुके हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि क्या वाकई लोग इन्हें यूज कर रहे हैं? समाज के कुछ ही लोग इस तरह की मशीनों का यूज कर रहे हैं। रूढ़िवादी मानसिकता के लोग अब भी ये मानते हैं कि हम अपनी परंपराओं के अनुसार ही सौदाह करेंगे। कई लोगों का ये मानना होता है कि बाहर खुले में सौदाह किया जाना बेहद जरूरी होता है। खुले में सौदाह से शरीर की आत्मा अच्छे से मुक्त हो जाती है और पुनर्जन्म हो पाता है। पारंपरिक अंतिम संस्कार में लगभग 500 से 600 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी, 3 लीटर केरोसिन और बाकी अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इन सब में लगभग 2.5 से 3 हजार रुपए लग जाते हैं और शव जलने में लगभग 3 घंटे तक का लंबा समय लग जाता है। लकड़ियों के शव का अंतिम संस्कार किया जाना 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। एक साल में लगभग 50 से 60 मिलियन पेड़ों को अंतिम संस्कार के लिए काट दिया जाता है और यही दो मुख्य हानियां हैं लकड़ी से अंतिम संस्कार किए जाने की। जलने के बाद राख को सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है जो कि पर्यावरण को बेहद अधिक नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक सौदाह अपेक्षाकृत सस्ते माने जाते हैं, साथ ही इनमें समय भी कम लगता है। इलेक्ट्रिक सौदाह में न लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और न ही केरोसिन का, और न ही इस प्रक्रिया में किसी गैस का उत्सर्जन होता है। पर्यावरण के लिहाज से भी इलेक्ट्रिक सौदाह की प्रक्रिया बेहद सही मानी जाती है। इसमें लकड़ी और केरोसिन जैसे संसाधनों की बचत होगी, साथ ही इसमें खर्च भी कम आता है। इलेक्ट्रिक सौदाह गृह स्क्रबर टेक्नोलॉजी से लैस होता है जो शव जलने के बाद निकलने वाली खतरनाक गैसों और बॉडी के जले हुए पार्टिकल्स को सोख लेता है। शव का डस्ट पार्टिकल पानी में जमा हो जाता है। इसे खाद के रूप में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ एक आधुनिक फर्नेस संयंत्र लगा हुआ होता है, साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक और संयंत्र लगा होता है जो कि काले रंग के धुएं को सफेद रंग के धुएं में बदल देता है। बीते 1.5 साल से दुनिया भर में कोरोना वायरस से हुई मौतों के अंतिम संस्कार में इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज अधिक हुआ है। इस तरह से पर्यावरण के लिहाज से शवों के अंतिम संस्कार का ये तरीका परंपरागत तरीकों से काफी अधिक सही है। कोरोना वायरस के बढ़ जाने से एक बार फिर से मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में कई जगह ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां की इलेक्ट्रिक सौदाह मशीन अनेकों शवों के यूज से खराब ही हो गई। कोरोना के इस दौर में हम आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।